क्या किसी ने पत्थर मार दिया, कोई खरोंच चाहिए, कोई गोली लगी या किसी ने तेरे खिलाफ नारे लगाए जो पूरे देश में फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया। ऐसा है कि पूरे देश में झूठ फैलाया जा रहा है कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक हुई थी। देश के पीएम के लिए तू तड़ाक की ये भाषा बोलने वाले कोई और नहीं बल्कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हैं। पीएम मोदी के लिए तेनू और तुस्सी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर उन्हें लोगों की नाराजगी खुलकर झेलनी पड़ रही है। ये पूरा मामला पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से जुड़ा है। मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद पंजाब के सीएम के इस बयान ने एक और बवाल मचाने का काम किया है। पीएम मोदी के लिए उन्होंने जैसी भाषा बोली है उसके कारण उनकी हर तरफ आलोचना होने लगी है। सोशल मीडिया में भी लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। बावजूद इसके सीएम चन्नी यहीं नहीं रुके। इस बयान के अलावा उन्होंने पटेल की एक फोटो भी शेयर की जिसमें मोदी पर तंज कसते हुए चन्नी ने लिखा कि जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। इस ट्वीट में उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा स्पष्ट था। सीएम चन्नी की एक ही रट है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में उनकी तरफ से कोई चूक ही नहीं हुई। ऐन वक्त पर पीएम का रूट बदल दिया गया था, उन्हें हवाई मार्ग से जाना था लेकिन वे सड़क मार्ग से गए, इसी वजह से सब कुछ हुआ है। खैर, अभी के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। रिटायर हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच करवाई जा रही है लेकिन केंद्र इससे संतुष्ट नहीं है। उस कमेटी में पंजाब के गृह मंत्री को भी शामिल किया गया और केंद्र इसे निष्पक्ष नहीं मान रहा। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या क्या होता है। टीम खबर अपडेट।